हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक सूट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली क्लब फैक्ट्री हॉल में आपके साथ में शेयर भी किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं दिया है तो उसका लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में, तो आप चाहो तो वो पहले वीडियो आप देख लो तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो जो सूट मैंने वहां से परचेज किया था, मैं आज आपके साथ में उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि क्या वो वर्थ बाइंग है, आपको क्लब फैक्ट्री से कपड़े वगैरह खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। रिसेंटली क्लब फैक्ट्री ने अपने एथनिक वेयर्स जब से लॉन्च किए तब से तो उसकी यहाँ पे लाइन लग गई कस्टमर्स की। मैंने भी खरीद करके ये जानना चाहा कि वहां पे कैसा सामान मिलता है। इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अभी कर दीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप चाहो तो मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो दोनों का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नाम मेरा मेंशन होगा स्क्रीन पे, तो आप चाहो तो मुझे वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। वहां मैं मेरी लाइफ से रिलेटेड अपडेटेड देती रहती हूँ। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लब फैक्ट्री से रिसेंटली में काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी जिसका ऑलरेडी मैं जो रिव्यू था वो शेयर कर चुकी हूँ। अगर उनमें से और भी किसी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं जिस सूट का रिव्यू करने वाली हूँ उसकी जो पिक्चर होगी वो स्क्रीन पर मैंशन होगी। ये जो सूट है ये एक बनारसी दुपट्टा एंड आप कह सकते हैं ये सिल्क सूट है जिस जो आपको पिक्चर में शो हो रहा है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे उस टाइम पर ऑफर प्राइस में ये मुझे 500 रुपए का ये सूट का कपड़ा मिला था जिसमें मुझे 3 पीस रिसीव हुए थे। ये मुझे 3 पीसेस में रिसीव हुआ था जिसमें कि एक था इसका सलवार का कपड़ा, एक था इसका कुर्ते का कपड़ा और एक था इसका दुपट्टा। तो पहले आप देख लीजिए कि ये कट पीस मुझे कैसा रिसीव हुआ था और मैंने अभी उसको स्टिच करा लिया है। अगर आप मेरे काफी टाइम से फॉलोवर है तो आप देखे होंगे मुझे बहुत सारे वीडियोज उसको पहने हुए, तो ये देख रहे हैं जैसे कि मैंने इस सूट को पूरा स्टिच करा लिया है। जो मैंने इसको पहना है इसकी पिक्चर्स भी मैं स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी। तो पहले आप देख लीजिए कि कट पीस का कपड़ा कितना रिसीव हुआ था और कैसे हुआ था, उसके बाद मैं आपके साथ में इसका अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको अपना रिव्यू बता देती हूँ, मुझे ये पसंद आया कि नहीं पसंद आया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लब फैक्ट्री का जब मैंने सारा सामान देखा तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी और मैंने ये सोचा था कि इसके बाद से मैं कभी भी क्लब फैक्ट्री से कोई भी परचेजिंग नहीं करूंगी। बट जब मैंने ये सूट मुझे ये रिसीव हुआ तो मैं मुझे बिलीव नहीं हुआ कि 500 रुपए में इतना सुंदर सूट, वो भी 3 पीस में आपको विद दुपट्टा, क्योंकि अगर आप दुपट्टा ही खरीदने चाहते हो तो आपको दुपट्टा ही 500, 600, 700 के आसपास मिलता है। ये है इसका दुपट्टा, ठीक है आप देख लो। पहले मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ जिसकी मैं सबसे बड़ी फैन हुई थी, और ये मरूनेस शेड का कलर है। इसमें बहुत सारे कलर्स थे बट मुझे ये पर्टिकुलर कलर ज्यादा पसंद आया था। तो आप देखो इसका दुपट्टा, देखो पहले आप इस दुपट्टे का वर्क देखो गाइस, ठीक है देख रहे हो आप लोग इसका वर्क। आई मीन 500 रुपए में तो आपको केवल दुपट्टा मिलता है और यहाँ पे इन्होंने 3 पीस दिए हैं। जिस भी बंदे को मैंने जब ये सूट पहना मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने कहाँ से खरीदा, मैंने बताया, उन्होंने प्राइस पूछा तो उनको बिलीव नहीं हुआ, बोले आप झूठ बोल रही हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये मुझे केवल 500 रुपए का मिला है और इसका वर्क अमेजिंग। आप शाइन देख रहे हो, आप फिनिशिंग देख रहे हो, एक भी आपको धागा इधर उधर नहीं लगेगा। ये फ्रंट है और ये इसका बैक है, ठीक है। बैक में भी इसके मैंने इसको 4 से 5 बार पहना हुआ है लेकिन इसका धागा एक भी बाहर नहीं निकला है। मैं चाहती तो इसका रिव्यू आपके साथ में पहले ही शेयर कर सकती थी जब मुझे ये रिसीव हुआ था,
बट मैं इसकी क्वालिटी देखना चाहती थी कि जब मैं इसको वॉश करती हूँ तो वॉश करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुपट्टे का कलर चला जाए। बट मैं इसको 4 बार 5 बार पहन चुकी हूँ, मैंने इसको अच्छे से रगड़ के धुला भी, आप देख रहे हो इसमें प्रेस भी नहीं है, लेकिन ये इतना पसंद आया मुझे, इतना पसंद आया गाइज। अगर आप इसको ओढ़ते हो, अगर आप मैरिड वुमेन हो और आप ससुराल में सूट वूट पहनते हो इस तरह ओढ़ते हो, तो ये आपका लुक ही चेंज कर देता है, इतना ज्यादा प्रिटी है इसका दुपट्टा। अब बात करती हूँ इसके कुर्ते की, तो कुर्ता भी इसमें कुछ इतना कपड़ा रिसीव हुआ था, ये आपका एक्सेल डबल एक्सेल साइज तक के लेडी को आराम से हो जाएगा, इतना इसमें कपड़ा आपको मिला हुआ था और मिलता है मतलब। और ये कुछ इस तरह की मैंने यहाँ पे स्लीव्स लगवाई हैं और मैंने इसको अपने घुटने के नीचे तक सिलवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसका देखो, ये शाइन देखो आप इस धागे की, ये ना इसमें यू नो जरी वाला जो शिमर वाला धागा होता है ना गोल्डन कलर का, उससे वर्क इसमें किया हुआ है। और यहाँ पर भी ये कपड़ा जो है इसके ऊपर भी धागे से वर्क किया हुआ है, लेकिन इसकी आप शाइन देखो, 4-5 बार धुलने के बाद भी इसकी शाइन नहीं गई है। इसके नीचे जो इसका सलवार का कपड़ा है, सॉरी गाइस प्रेस नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सैटिन का कपड़ा है, एकदम शाइन वाला जो कपड़ा होता है ना सैटिन का, वो वाला ये है, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो ये चमक है इसमें, ठीक है। अब बात करती हूँ जो इसमें एक चीज, जिस बात का अगर आप ये सूट खरीदते हो तो जिस बात का आपको ध्यान देना है, वो ये कि जब आप इसको सिलवाओगे तो आपको इसके अंदर से कॉटन का ऐसे कपड़ा लगवाना पड़ेगा। आमतौर पर जब उड़ीसा साइड के जो लोग होते हैं वो लोग तो अपने हर सूट में कॉटन का कपड़ा लगवाते हैं, बट इसमें लगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो अंदर से ये जो कपड़ा है ना इसका, यू नो ये जैसे बैक, ये फ्रंट है और ये अंदर से इसका बैक है, ये जो कपड़ा है ना ये आपकी स्किन को छील सकता है, ये कपड़ा अंदर से हार्ड है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये सॉफ्ट मटेरियल का कॉटन का कपड़ा स्टिच करवाया। ये सूट मैंने कुछ इस तरह के डिजाइन में स्टिच करवाया है और आप इसकी लेंथ देख सकते हो, आई मीन कितना इसका लेंथ है, ये मेरे पूरे मैं 5'2" या 5'3" के आसपास हूँ, मेरे घुटने के नीचे तक है इसकी पूरी ये लेंथ। और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ पर्ल का वर्क कराया है, मैंने अपने पजामे में भी जो नीचे है वो वहाँ पे पर्ल का वर्क कराया है। जो मेन हीरो है इस सूट का वो है इसका ये दुपट्टा, जब आप इसको डालते हो तो ये इतना ज्यादा प्रिटी लगता है। एंड 500 रुपये की रेंज के हिसाब से मेरा 120 या 130 रुपए इसकी सिलवाई लगी, और आप 150 रुपए का कपड़ा मांग लो, मतलब 700-750 रुपए में ये इतना ज्यादा प्रिटी सा सूट रेडी हो गया मेरा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली ये सूट बहुत ज्यादा पसंद आया और मैं डेफिनेटली वहां के एथनिक वियर्स ट्राई करूंगी और भी ज्यादा, और अगर ट्राई करूंगी तो आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू इस सूट का, अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, एंड ऑल्सो अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। सो चलिए मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।